हमारे स्माइल पे फोकस करके कुछ नहीं मिलेगा। रमन कुमार पहली बार अन अकेडमी क्लास में आए हो बेटा? पोल दिया होता है, पोल में आंसर करना होता है, कमेंट में नहीं। क्या लिखा हुआ है? यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट न्यूली लॉन्च बार। तो देखिए समझ लीजिए ध्यान से, बार क्या है हमारा? नाउन। न्यूली क्या है हमारा? न्यू क्या होता है? न्यू की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब। तो क्या बनेगा? न्यूली क्या हो गया? एडवर्ब। तो बीच में हमारा क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अब देखिए लॉन्च क्या है आपका? लॉन्च है आपका वर्ब। वर्ब को अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? लॉन्च्ड। ओ न्यूली लंच, इसको लॉन्च कर लो, ठीक है, न्यूली लॉन्च होगा तब ये क्या बन जाएगा? लॉन्च्ड। तो आंसर क्या बनेगा? न्यूली लॉन्च्ड बार। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च्ड बार। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट। तो इसमें आपको आंसर बताना है क्या होगा। आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माई आर्म टूवर्ड्स द स्काई। देखिए क्या लिखा हुआ है? आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माई आर्म टूवर्ड्स द स्काई। विसल्ड देखो क्या लिखा हुआ है। विसल्ड क्या है आपका? विसल्ड है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की है सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हमने लिखा आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट एंड उसके बाद हमने रेज लिखा। रेज क्या है? रेज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा? रेज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रेज की पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी वर्ब। पैरेललिज्म एक कंसेप्ट होता है। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है? पैरेललिज्म का कंसेप्ट ये कहता है कि एंड से पहले और एंड से बाद में जुड़ने वाली कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां भी क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि यहां पर कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए यहां पर रेज माई आर्म्स की जगह क्या होना चाहिए? रेज्ड माई आर्म्स होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी सवाल अगर किसी को नहीं समझ में आता है, किसी का कोई डाउट है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है आपका, बताइए जल्दी से। कोई भी सवाल किसी का है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर नहीं भड़कूंगा अंटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल भी टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है। देखिए क्या लिखा है? साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर दियर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। क्या लिखा? साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी। तो देखिए ये आपका बोथ जो है क्या होता है? बोथ और एंड, याद रखिए हमेशा बोथ और एंड। इन्हें किसे कहते हैं? अभी अभी पढ़ा है जो 8 से 9.5 वाले बच्चे थे कि बताओ ये क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। और कौन सा कंजंक्शन होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये कहते हैं कि अगर एंड के बाद क्या लिखा है? फॉर, तो बोथ के बाद भी क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। यहां क्या आ रहा है? नेसेसरी, यानी कि ये बोथ यहां से हटेगा और कहां पर आएगा? यहां पर। तो आंसर क्या बनेगा? साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी बोथ फॉर मेन एंड
फॉर दियर इन आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? ठीक, जो भी मैं आपको ऐसे रूल्स बताऊं जो आप कभी कभी भूल जाते हैं, उनको एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए। जैसे आपका मान लीजिए ये दोनों नियम आपको नहीं उतना इंपॉर्टेंट लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉपी बनाओ जिसमें आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स लिख लीजिए, उसको आप जरूर से जरूर लिखते जाइए। एक कॉपी, एक नोट्स बना लीजिए जिसमें लिख लीजिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का रूल आया, तो उसको जरूर से लिख लो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का बोथ और एंड का रूल है और दोनों में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच लगती है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन्हें जरूर से ध्यान रखने हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक, इस रूल को साफ साफ लिख दें, इस रूल को साफ साफ देखिए, रेस्पेक्टिवली रॉन्ग नहीं है, रेस्पेक्टिवली रॉन्ग नहीं है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल आर 30 सेंटीमीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, क्रमशः, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। समझ में आ गया रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? तो रेस्पेक्टिवली इज करेक्ट फॉर दियर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली, वो सही है। ठीक है, हाँ, मैन सिंगुलर हो सकता है, जरूरी नहीं है आप उसे प्लूरल करें। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ आर नेसेसरी फॉर बोथ फॉर मैन एंड, मैन के लिए भी आवश्यकता है, ह्यूमन के लिए भी आवश्यकता है। मैन का मतलब यहां पर व्यापक सेंस में आ रहा है, जैसे कि साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन। यहां पर इस मैन का अर्थ क्या होता है, ये व्यापक सेंस यानी कि जनरल सेंस में आता है, जिसका मतलब सभी ह्यूमन बींग से है। जैसे कि अगर हम कहें मैन इज मॉर्टल, तो मतलब क्या है, मनुष्य इमॉर्टल है, मनुष्य आपका नश्वर है, यानी कि ह्यूमन नश्वर है। यहां पर मैन का अर्थ ह्यूमन से हो जाता है, तो इट कैन बी सिंगुलर। समझ में आ गया? हाँ, कोई पूछ रहा था बोथ और एंड वाला रूल आपका।